आपको पता है आज का प्रश्न क्या है? नहीं, आइए देख लेते हैं। भैया आप ये बता सकते हैं बुखार क्यों होता है? बुखार तो इसलिए होता है कि जो पानी वानी गंदा पीने से, जो साफ सफाई नहीं रखने से, अगर एक रात पहले कुछ भी ठंडी चीज़ खा ली हो और फिर सही से पूरे कपड़े ना पहने और ठंड लग जाए तो अगले दिन बुखार होता है। बुखार बीमारी होती है। और क्यों होता है? ये तो आम आदमी को जाते हैं। अच्छा, मुझे कभी हुआ नहीं। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी फीवर वगैरह होता है? बुखार ठंड की वजह से होता है। अच्छा, ठंड में घूमते रहता है, इसके बुखार इस वजह से होता है। बॉडी का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो, कि किसी किसी डिजीज को फाइट करने के लिए आपका ब्लड विल स्टार्ट सर्कुलेट, उससे आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। हम सब जानते हैं कि बुखार क्या चीज है, तो इससे पहले कि आप दवाई की तरफ जाएं, पैरासिटामोल या क्रोसिन लेने की सोचें, पहले जान लेते हैं कि बुखार क्या है और ये क्यों होता है। बाहर का तापमान चाहे जो भी हो, लेकिन हमारे शरीर के भीतर का तापमान स्थिर ही रहता है। हमारे शरीर के भीतर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन कभी कभार हमारे शरीर के भीतर का तापमान बहुत बढ़ जाता है, हमें ठंड लगने लगती है, कपकपी होती है और हम बीमार महसूस करते हैं। ज्यादातर समय होने वाला बुखार इन्फेक्शन से ही होता है, लेकिन कैंसर, हीट स्ट्रोक या ऐसी अलग अलग बीमारियां भी हैं जिनमें हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। और इस वीडियो में हम उन बीमारियों के बारे में बात नहीं करेंगे। तो जब भी हमें लगता है कि हमें बुखार आ गया और हम बीमार महसूस कर रहे हैं, हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। थर्मामीटर एक ऐसा साधन है जिसके जरिए हम ये जान सकते हैं कि हमारे भीतर का तापमान क्या है। अगर हम पूरे दिन में देखें तो 1 डिग्री ऊपर नीचे ये तापमान घटता बढ़ता रहता है। तो बुखार वो स्थिति है जिसमें हमारे शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे शरीर का तापमान बढ़ क्यों जाता है। कई लोगों को लगता है कि बुखार एक बीमारी है, पर ऐसा नहीं है। बुखार एक बीमारी का लक्षण होता है और असल में बुखार हमारे शरीर का एक तरीका है हमारी मदद करने का। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? तो इस सवाल का जवाब कि बुखार क्यों होता है, शुरू होता है हमारे शरीर की इम्यूनिटी से। इम्यूनिटी हमारे शरीर की वो क्षमता है जिसके द्वारा हमारा शरीर हमें रोगों से बचाता है। रोग पैदा करने वाले जीव, जिन्हें हम पैथोजेंस भी कहते हैं, उनसे लड़कर हमारे इम्यून सेल्स हमें बीमार होने से बचाते हैं। दरअसल शरीर का तापमान बढ़ाना हमारे शरीर का एक तरीका है इन पैथोजन से लड़ने का। बहुत से बैक्टीरिया और वायरसेस इस तापमान को सह नहीं पाते हैं और ये बढ़ता तापमान उनके लिए हानिकारक होता है। एक नए रिसर्च के मुताबिक ये भी जाना गया है कि शरीर का तापमान बढ़ने से हमारे शरीर के इम्यून सेल्स, जो रोगों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं, वो और मात्रा में बढ़ जाते हैं। तो खोज चाहे नहीं हो या पुरानी, ये तो पक्का है कि बुखार हमारे शरीर का एक तरीका है बीमारी से लड़ने का। ज्यादातर समय बुखार 2 से 4 दिन तक ही चलता है, क्योंकि बुखार के जरिए हमें पसीना आता है और हमारे शरीर का बहुत सा पानी खत्म हो जाता है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि बुखार के समय हमें पानी अच्छे से पीना चाहिए और हमें आराम करना चाहिए। ज्यादातर समय बुखार में दवाई लेने की जरूरत नहीं होती है, पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो बुखार आने से पहले ही थोड़ा सा भी सर दर्द हो या थोड़ा सा भी बुखार आने ही लगे तो पैरासिटामोल या क्रोसिन इस तरह की दवाइयां लेने लगते हैं। इन दवाइयों के अपने दुष्प्रभाव हैं और रोजमर्रा में इन्हें लेना ठीक नहीं है। अगर आपका बुखार बहुत बढ़ गया है और आप ज्यादा बीमार हो गए हैं तो बेहतर तो यही होता है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, और अगर आपको डॉक्टर वो दवाई लेने के लिए कहता है तभी आप लें। तो इस पूरी वीडियो में हमने ये जाना कि वो बुखार जिसको हम अपने लिए खराब समझते हैं, हानिकारक समझते हैं, वो हमारे लिए फायदेमंद ही है और हमारी शरीर की जो क्षमता है रोगों से लड़ने की, उसी की वजह से हमें ये बुखार आता है। कितनी अजीब बात है ना, जिस चीज को हम इतना खराब समझते हैं वही बुखार हमारे शरीर के लिए इतना फायदेमंद है और हमारी मदद करता है।
मेरा नाम प्रमिला है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। इससे हमें आपका सपोर्ट मिलता है और ये पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। और अगर आप हमारी हर हफ्ते आने वाली वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपके दिमाग में भी ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका आप जवाब ढूंढ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उन सवालों के जवाब देने का।